बिल्कुल, अभी आप जो थोड़ी बहुत लाइटिंग यहाँ पर देख रहे हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वक्त में आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखेंगे कि आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु दीक्षित और अयोध्या में राम राज्य से जुड़ी हर खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साधु संतों को, जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके अंदर इतना उत्साह, इतनी खुशी है कि अब वो मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं और साथ ही साथ राम भजन भी कर रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अयोध्या में जोर शोर से इस वक्त चल रही है। इधर आप देखेंगे तो वाटर फाउंटेन लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ लेजर लाइट का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही और भी बहुत कुछ खास आपको दिखने को मिलेगा जब आप अयोध्या में आएंगे। और राम भक्तों के लिए खास इंतजाम अयोध्या में किए जा रहे हैं। वो क्या खास इंतजाम है हम अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाने वाले हैं। क्या शुरू कर दी है, जगमगाया हुआ है या फिर ये कह सकते हैं रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ है जिस मंदिर में हम हैं। इस मंदिर को कनक भवन कहते हैं और इसकी खासियत मैं आपको बता देता हूँ। श्री राम जी का निजी निवास इसे कहा जाता है और ये कहा गया है कि राम जी और सीता जी की जब शादी हुई तो सीता जी को कैकेयी माँ ने भेंट स्वरूप ये भवन दिया था। देखिए इसकी सुंदरता, आप देखिए रंग बिरंगी रोशनी, कभी पीली रोशनी होती है, कभी लाल होती है और वो कलर अपने आप चेंज हो रहे हैं जो अपने आप को देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। और जब यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं रात में ये रोशनी देखते हैं जगमगाती हुई तो ये उनका मन मोह लेती है। और इसीलिए यह है राम राज्य, क्योंकि आपको राम राज्य जैसा अलौकिक महसूस होगा जैसा अलौकिक नजारे उस वक्त हुआ करते थे, कुछ वैसा ही दृश्य यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। अयोध्या में अपना आकर्षण है, अयोध्या बैराग की भूमि है, तप की भूमि है, अयोध्या की अपनी एक सादगी है, अयोध्या में अपनी एक सहजता है। अवधपुरी भगवान श्री राम को प्यारी है, अब रामलला विराजमान होने आ रहे हैं तो यहाँ के साधु संतों में भी काफी खुशी है। अयोध्या के साधु संत अभी से मिठाइयां बांटकर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने लगे हैं। तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, हाँ जी रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। आज ये अनुभूति जब अयोध्या वासी, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, आज जब किसी के भी पैरों की आहट जब सुबह सुबह जब दिखाई पड़ता है ना, सुनाई पड़ता है, तो ऐसा लगता है हमारे प्रभु राम ही जा रहे हैं। श्री राम जब वनवास के बाद अयोध्या लौट आए थे तो पूरी अयोध्या ने खुशी में दिवाली मनाई थी। कुछ ऐसा ही राममय माहौल इन दिनों अयोध्या में देखने को मिल रहा है। कार्तिक के महीने में रोज सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, लोग प्रभु राम के भजन गाकर अपने आराध्य को याद कर रहे हैं। अवध बिहारी, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। अयोध्या में जितनी भी प्रयासें हो रही है ये चौतरफा विकास, मतलब चार ओर से अयोध्या को सजाया जा रहा है। किस प्रकार से 14 वर्ष वनवास के बाद भगवान श्री राम आए थे तो अयोध्या वासियों में कितना उल्लास था, कितनी प्रसन्नता थी, उसका व्यक्त शब्दों में नहीं किया जा सकता। अयोध्या वालों ने पूरे विश्व को दिखा दिया। आज उसी प्रकार से अयोध्या को सजाया जा रहा है। आप लोग कवरेज कर रहे हैं पूरे अयोध्या में, तो कोई भी ऐसी एक इंच भी खाली जगह नहीं है जहां पे अयोध्या को सजाया नहीं जा रहा। राम मंदिर के निर्माण के लिए दुनिया भर से शिलाएं लाई गई। कुछ शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए उसके हिस्से को निकाल लिया गया, मगर चेकिंग के बाद जो शिलाएं मूर्ति योग्य नहीं पाई गई उन्हें यहाँ दर्शन के लिए रखा गया है। अलग अलग राज्यों से आई इन शिलाओं के ठीक बगल में बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें इन शिलाओं के बारे में जानकारी लिखी है। ये जो शिला आप देख रहे हैं ये राजस्थान से आई हुई है, तीन शिला है, तीन खंड में जो भगवान की प्रतिमा बनेगी, विग्रह बनने की। अच्छा, किसी कारण से इन्हें चेक किया गया तो ये मूर्ति योग्य नहीं थे, इन्हें दर्शन के। लेकिन आप अभी भी अगर देखेंगे इन शिलाओं को तो बहुत पुरानी ये जा सकती हैं, बहुत मान्यता है और अब इनकी बकायदा पूजन भी हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे विधिवत पूजन होता है, फिर यात्री जो आप बाहर से आते हैं उनका दर्शन। अच्छा, ये जो शिला है ये देखिए, ये बकायदा इस पर लिखा हुआ है ओमकारेश्वर। हाँ, ओमकारेश्वर से पूज्य अवधूत नर्मदानंद जी महाराज द्वारा लाया गया है। राम भक्त इन शिलाओं को भी भगवान की तरह पूज रहे हैं। भक्त इन शिलाओं में भी अपने आराध्य की प्रतिमा देख रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों और दूर दूर से आकर
भगवान राम की प्रतिमा बनाने के लिए आई इन शिलाओं के दर्शन कर रहे हैं। जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की। गुजरात से आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? अच्छा लगा। कैसा कैसा लग रहा है अयोध्या? अच्छी लग रही है अयोध्या। मतलब पहले और अब में कितना अयोध्या बदला है? सारा बदला है, अच्छा बदला है। आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं जल्दी से मंदिर? जल्दी से बन जाए, हम दर्शन करने आए दूसरी बार। जल्दी बना दो, हम जल्दी आएंगे, मंदिर बना दो। राम मंदिर में स्थापित की जाने वाली रामलला की मूर्ति तैयार हो चुकी है। तीन अलग अलग मूर्तिकारों से रामलला के तीन विग्रह बनवाए गए हैं। तीनों में फिनिशिंग और सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 15 नवंबर तक रामलला का सबसे सुंदर विग्रह तैयार हो जाएगा। इनमें जो सबसे दिव्य विग्रह होगा उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर के भूतल और प्रथम तल का निर्माण कार्य भी दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। और जनवरी में वो होगा जिसका इंतजार 100 करोड़ हिंदू सदियों से कर रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए अयोध्या के घाटों को भी सजाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सरयू के घाट पर खास तरह के फव्वारे बनाए जा रहे हैं जिनमें लेजर लाइटिंग का भी इंतजाम किया गया है। जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो सरयू तट पर यह अद्भुत नजारा देखते ही बनेगा। अयोध्या में कितनी तेज गति से निर्माण कार्य चल रहे हैं तो वो आप मेरे पीछे होते हुए शोर से समझ सकते हैं। जहां पर आपको ड्रिल मशीन ड्रिल करते हुए नजर आएगी, उस तरफ आप देखेंगे तो वहां फाउंटेन लगाने के लिए ड्रिल किया जा रहा है। 10 से 15 फाउंटेन यहां पर लगाए जाएंगे 10 से 15 मीटर की दूरी पर, जिसमें से 7 से 8 मीटर ऊंचा पानी की फुहारे निकलेंगे और उसके साथ ही रंग बिरंगी रोशनी भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहां पर मुझे भी बहुत अच्छी लगी वो ये कि जिन मशीनों का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया यहां पर लगाया जा रहा है और लोगों को यहां पर काफी रोजगार भी मिल रहा है। रात के वक्त अयोध्या में सरयू के घाटों की छटा देखते ही बनती है। हजारों श्रद्धालु घाटों पर आकर सरयू जी के दर्शन करते हैं और भजन गाकर राम भक्ति के रंग में रंग जाते हैं और प्रभु श्री राम को याद कर भगवान की आराधना करती है। राजस्थान से भी कुछ संत अयोध्या घाटों पर पहुंचे और ये बताया कैसे प्रभु श्री राम राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं। जब ये प्रश्न उठा कि राम जी के वंशज आज तक जीवित हैं, न्यायालय में यह प्रश्न उठा, उस समय राजस्थान के समस्त घरानों ने अपनी वंशावली लेकर के न्यायालय में प्रस्तुत किया कि हम हमारी राम जी से लेकर लोकुश से लेकर के आज तक हम लोग उस परंपरा के हैं। तो यहाँ के न्यायाधीश चकित हो गए, हजारों की संख्या में नामावली देकर के, वंशावली देकर के राजस्थान के राजाओं ने यहाँ पर न्यायालय में प्रस्तुत करके राम जी का पक्ष मजबूत किया। कार सेवक पुरम में मंदिर के लिए कार्यशाला बनाई गई है जहां प्रभु के मंदिर के लिए मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। कार सेवक पुरम में काम करने वाले कारीगरों ने यहां बन रही मूर्तियों को आखिरी रूप दिया है। मंदिर निर्माण के बाद ये मूर्तियां यहां से मंदिर तक ले जाई जाएंगी। और अभी जिस जगह पर हम पहुंचे हैं उसे कार सेवक पुरम कहा जाता है। कार सेवक पुरम में वो सारी मूर्तियों को बनाया जा रहा है जो मूर्तियां राम जन्मभूमि में उस मंदिर में रखी जाएंगी। और जिस जगह भी हम मौजूद हैं आप देखेंगे जो मुख्य शिल्पी हैं रंजीत मंडल जी, उनकी तरफ से ये सारी मूर्तियां यहां पर बनाई गई हैं और ये राम जन्मभूमि हेतु मूर्ति निर्माण कार्यशाला है। और यहां पर पूरी तरह से वृतांत यहां पर बताया गया है कि कहां से कहानी शुरू हुई और कहां से राम जी से जुड़ी सारी लीलाएं इन मूर्तियों के जरिए समझाने की कोशिश की गई। राम मंदिर आंदोलन की दिल कहे जाने वाले कार सेवक पुरम में मंदिर में इस्तेमाल होने वाली कई आकृतियां बनाई जा रही हैं। यहां भगवान राम के बाल रूप से लेकर पूरी जीवनी को मूर्तियों के जरिए बनाया और दिखाया गया है। मूर्ति के जरिए प्रभु राम की लीलाएं भी दिखाई गई हैं। अब इन मूर्तियों को भव्य राम मंदिर के अंदर लगाया जाएगा। श्री राम चरितमानस के अनुसार महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की हो गई थी, उन्हें कोई संतान नहीं हुई। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामिष्ठि यज्ञ प्रारंभ कराया। आप देख रहे हैं यहाँ पे अग्निदेव प्रकट, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, अग्निदेव प्रकट हो
होकर के चरु देते हैं, महाराज दशरथ लेते हैं और उसके बाद ये वो तस्वीर ना, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि को चैत शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में महाराज दशरथ के प्रांगण में चार चार कुमारों का राम लक्ष्मण नकुल सहदेव, यहाँ पर कौशल्या जी हैं, कैकेयी हैं, सुमित्रा जी हैं और ये दशरथ जी खेल रहे हैं। महाराज दशरथ के गोद में राम जी हैं और कैकेयी सुमित्रा इत्यादि, तो ये दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। अब ये सब जब मंदिर में स्थापित होगी तो वो अलग ही भक्तों को आकर्षित करेगी। राम की अयोध्या सज रही है, संवर रही है, लाखों भक्तों को इंतजार है अब उस दिन का जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजेंगे।